ऐसा भगवत कृपा और भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुषों का कथन है कि जिस दिन जिस क्षण किसी संत अथवा भक्त की अहेतु की कृपा से जीव भगवत सेवा परायण हो जाता है, भगवत कथा का अमृत और उस कथा के अमृत में निहित प्रेम का अमृत तत्व उसका आस्वादन करने लगता है, उस दिन से समस्त सद्गुण जिसे प्राप्त करने के लिए धीर जन, विवेकी जन, यम नियम, संयम साधन, जप तप, व्रत आदि भिन्न भिन्न साधनों का आश्रय लेते हैं और प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, जिस दिन जीव भगवत चरणारविंद के आश्रित होता है, जिस दिन किसी संत की कृपा से विशुद्ध भक्ति के भाव को धारण करता है, उस दिन वो समस्त सद्गुण उसे अनायास ही प्राप्त होते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और सब सद्गुण हो और भगवान के चरण कमलों की भक्ति ना हो तो मानस कहती है कि वो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी सुंदर स्त्री को नख से शिख तक अमूल्य आभूषणों से सजा दिया जाए, सुसज्जित कर दिया जाए, पर उसके तन पर वस्त्र ना हो। भक्ति विहीन प्राणी बिल्कुल ऐसा है जैसे तन पर सब आभूषण हैं, सुंदर तन है, सुंदर आभूषण है, लेकिन वस्त्र नहीं है, अर्थात शोभा नहीं पाता। और केवल भक्ति हो, जब भगवान पधारे शबरी की कुटिया पर, तो शबरी अपना परिचय देती है कैसे, अधम ते अधम हीन में नारी केही विधि स्तुति करहूं तिहारी। बोली प्रभु मैं अधम जीव और प्रारब्ध से मुझे ये मनुष्य का देह मिला, वो भी नीच जाति में जन्म लिया मैंने, अधम ते अधम, और फिर कहते हीन मैं नारी, और फिर स्त्री, कैसे आपकी सेवा करूं, कैसे आपका सत्कार करूं। तो अधम ते अधम हीन मैं नारी कही विधि स्तुति करूं तिहारी। पर केवल एक भक्ति का भाव हो, केवल एक सहज और सरल निष्कपट हृदय से प्रभु की प्रतीक्षा, यही शबरी का साधन था, यही शबरी का व्रत था, यही सर्वस्व था। और जब भगवान पधारे शबरी की कुटिया पे, तो भगवान कहते हैं कि नौ भक्तियों में से एक भी अगर किसी के हृदय में हो तो वो सदा सदा के लिए मुझे प्राप्त कर लेता है, लेकिन तुम में तो नौ की नौ विराजमान है, ऐसा कहकर भगवान शबरी की स्तुति करते हैं। केवल एक भाव, अगर लोक की, व्यवहार की अथवा धर्म की भी दृष्टि से देखें तो शबरी हीन कुलोत्पन्ना है, नीच जाति में जन्म हुआ, कोई भजन कोई साधन विशेष नहीं। कितने बड़े बड़े तपस्वी जन्मों से आस लगाए बैठे थे कि कब रघुनंदन आएंगे और हमारी कुटिया पर पदार्पण करके हमें कृतार्थ करेंगे, भगवान ने भ्रूक्षेप तक नहीं किया, एक कटाक्ष तक नहीं मिला उन ऋषि मुनियों को जो जन्मों से तप कर रहे थे। ये जितना भी भक्त और उनसे संबंधित जितनी भी ये वार्ता है, ये इसी सिद्धांत का पोषण करने के लिए है, इसी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए है कि सत्य कहूं सुन भामी बाता, मानो एक भक्ति करना। बिल्कुल सीधा सरल निष्कपट भाव, जैसे पूर्व भी मैंने निवेदन किया ना, आप देखिए कि जूठे दातुन से कर्मा खिचड़ी हिलाती है और जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से बैठ कर पाते हैं,
और इससे भी कहीं निकृष्ट स्थिति तब देखने को मिलती है जब सदन कसाई सालीग्राम की बटिया लेकर तराजू के एक पलड़े पर वो बटिया रखते हैं और दूसरे पलड़े पर मांस तौलते हैं। साधु देखता है कि ये क्या अनर्थ हो रहा है। साधु को देखकर कष्ट होता है कि ये सालीग्राम की बटिया और एक तराजू पे बटिया और दूसरे तराजू पे मांस तौला जा रहा है। साधु जाता है और सदन जी से कहता है कि तुम आज भिक्षा में मुझे ये बाट दे दो। सदन कहते हैं, जाने किस भाग्य से किस पुण्य से मेरे द्वार पे संत पधारे हैं, यद्यपि ये बाट बड़ा प्रिय है। बाट प्रिय क्यों है? बाट प्रिय इसलिए है कि सदन को उस बाट के अतिरिक्त किसी और बाट की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो जितना मांगता है वो एक ही बाट तोल कर दे देता है। सदन की दृष्टि में कोई चमत्कारी पत्थर है, यद्यपि बाट बड़ा प्रिय है, पर सदन कहते हैं कि साधु आया है द्वार पर मांगने, खाली कैसे लौटा दूं। और दूसरा द्वार पर आया है और याचना करता है, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीरथ नहाए। सदन दे देते हैं, अपनी कुटिया पे ले जाकर साधु षोडशोपचार विधि से भगवान सालीग्राम की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सोने के सिंहासन पर विराजमान करते हैं, सुंदर नैवेद्य अर्पण करते हैं और रात को भगवान कहते हैं, आज्ञा देते हैं, केवल कहते नहीं कि कल प्रातःकाल होने से पहले मुझे वहीं उसी कसाई के पास पहुंचा दो, तुम्हारी सेवा अच्छी लगी, तुम पर प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ, पर रहना मुझे वहीं है। वो जब मुझे पलड़े पर विराजमान करके और अपने मुख से मेरा गुण गाता है, उसके मुख से उसके हृदय के उस निष्कपट भाव से भीगा जब नाम मेरे कान में पड़ता है तो मुझे आनंद होता है। गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद, राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद, राधे माधवा गोपाल, राधे गोविंद, राधे माधव गोपाल, राधे माधव। और केवल संतों ने कहा नहीं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक संग, तूल न ताही सकल मिल जो सुख लव सतसंग। प्रेम में भीगा हुआ हृदय हो, भगवन नाम हो, बोले उसके समान त्रिभुवन में त्रिलोकी में कोई दूसरा सुख नहीं, स्वयं भगवान को सुखी करता है। कृष्णानुशीलनम आनुकुल्येण, स्वयं आनंद कंद आनंदित होते हैं प्रेम में भीगे हृदय से, प्रेम में भीगे कंठ से मिश्रित अपना नाम सुनके। बोले वो सदन के मुख से जब वो मेरा नाम निकलता है, जब वो प्रेम में भरा हृदय मेरा नाम उच्चारण करता है, बोले उसके समान मुझे कोई पूजा प्रिय नहीं है, उसके समान मुझे कोई और अर्चना प्रिय नहीं है, मुझे वही अच्छा लगता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त होते ही मुझे वापस उसी कसाई के पास पहुंचा देना। वो जब तराजू पर मुझे धरता है और दूसरे तराजू पर मांस तोलता है तो उसकी तराजू में मुझे रत्न जटित हिंडोले पर झूलने जैसा आनंद प्राप्त होता है। गोविंद राधे माधवा गो, राधे माधवा गोविंद, राधे माधवा गोपाल, 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 राधे गोविंद, राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा। और हम पर बड़ा अनुग्रह है भगवान का, बड़ी कृपा है कि वैष्णव आचार्यों ने
भगवान को वश में कर लेने वाली वो सुंदर सरस सुमधुर सेवा की परिपाटी हमें प्रदान की है। यदि कोई प्रश्न करे कि सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है प्रभु के निकट जाने का, सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे सरल है नाम, सबसे सरस है कृष्ण कथा, और सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम के आश्रित होकर श्री कृष्ण कथा का अमृत पान करते करते श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण के चरणों का कैंकर है। श्रीमद् भागवत में महाराजा अम्बरीश का प्रसंग आता है, सदा उनकी यही याचना थी गोविंद के श्री चरणों से कि प्रभु ऐसा जीवन दीजिए हाथ सदा आपके श्री मंदिर की सेवा करने में लगे रहें, पांव सदा आपके मंदिर की प्रदक्षिणा करने में लगे रहें, कान से सदा आपका कथामृत पान करता रहूं, और ये नेत्र आपकी इस सुमधुर छवि का दर्शन करके कृतार्थ होते रहें। यही मानव जीवन का चरम और परम फल है, भगवान के नाम के आश्रित जीवन, सतत कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान। कथा मैं कई बार निवेदन करता हूं कि आप कहानी समझ के सुनो तो कहानी है, सुन लिया थोड़ी देर का आनंद है, और कितने लोगों का यही अनुभव होता है, बोले महाराज जितनी देर सत्संग में बैठो उतनी देर तो अच्छा लगता है, बाहर जाते ही फिर संसार व्यापने लगता है, फिर वही मैले कुचैले भाव ग्रसने लगते हैं मन को। लेकिन यदि वस्तुतः कथा को कथा जानकर, कथा को कथा मानकर, और कथा के अमृतत्व को पहचान कर, कथा के अमृत का इस श्रवण रूपी पात्र से पान करो तो कोई ऐसी व्यथा नहीं है, आदिदैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये तीन ताप जीव को सतत तपाते हैं जैसे ही जीव संसार में आता है। गर्भवास को नर्कवास बताया है शास्त्र, कहता है कि गर्भवास नर्क है, जब जननी के उदर में बालक जठराग्नि से तपता उल्टा लटका मल मूत्र घेरे रहते हैं तो जीव सतत भगवान से प्रार्थना करता है, बोले प्रभु जल्दी से संसार में भेजो, जाऊंगा आपका भजन करूंगा। कभी विचार किया कि जैसे ही बालक का जन्म होता है बालक रोता है, जबकि नर्कवास से मुक्त होने पर तो बालक को प्रसन्न होना चाहिए, खिलखिलाकर हंसना चाहिए, लेकिन संसार में आते ही सबसे पहली क्रिया जीव की क्या होती है कि बालक रोता है। क्यों? क्योंकि संसार का ताप स्पर्श करता है, ये माया जनित जो त्रिताप है ये जन्म भर जीवन भर जीव को तपाते हैं। पर गोपी कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम तवि भिरीडितम कल्मषा श्रवण मंगलम। बोले कान में पड़ते ही जीवन मंगलमय होना आरंभ हो जाता है और कथा की कृपा हो जाए। जैसे कथा की कृपा सर्वप्रथम किस पर हुई? सर्वप्रथम हुई महाराजा परीक्षित पर। 7 दिन 7 रात्रि सतत श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण कथा का पान करते रहे, न भूख ने व्यापा न न न तृषा ने पीड़ित किया, भूल गए आदि व्याधि उपाधि देह की दूर हो गई, ऐसे ऐसे निमग्न हो गए इस कथा के अमृत में। संत तो कहते हैं बोले परीक्षित को जब आकर तक्षक ने डसा, परीक्षित तो उससे पहले इस देह के जंजाल से मुक्त हो चुके थे कृष्ण कथा की कृपा से। सुनाने वाला श्री सुखदेव जी महाराज जैसा हो,
जिसके हृदय में ये कथा का अमृत, जिसके घट में ये कथा का अमृत भरा हो और सुनने वाले की जिज्ञासा, सुनने वाले की लालसा परीक्षित जैसी हो, तो बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात आपकी पात्रता की है, कितना आदर आप सत्संग को देते हैं, कितना सम्मान आपकी दृष्टि में कथा का है। एक व्यक्ति होता है जिसको चार कदम भी चल के आना भारी पड़ता है। मैं यहां देखता हूं, यहां क्या बहुत जगह देखने को मिलता है कि 6 से 9 का समय तो 8:45 बजे आते हैं कथा में। मालूम नहीं वो क्या लेने आते हैं, क्या लेकर जाते हैं, उनकी वो जाने, पर देखने में आता है कि 8:45 बजे आते हैं कथा में। इसीलिए हमने प्रसाद बटाना बंद किया कि कम से कम जो केवल प्रसाद के लड्डू पेड़े के लोभ से आता है वो तो ना आए, वो आकर दूसरे व्यक्ति का भी भाव बिगाड़ेगा। मुझे बच्चों की शरारत किंवा उनकी हलचल से कोई परहेज नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जो दिन में 24 घंटों में से 3 घंटे का समय हमने सत्संग के लिए निकाला है, उसका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बड़ी बात यह कि हम जीवन में सत्संग को, हम जीवन में भजन को, हम जीवन में भगवत सेवा को प्राथमिकता देते हैं कि नहीं। ये कभी नहीं देखा जाता किसने कितना साधन किया। जीव कितना भी साधन करे, तैरकर कोई समुद्र पार नहीं करता, किसी ने नहीं किया, कोई कर नहीं सकता। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माए, ताको एक कृपा बिना और जतन को नाए। किसी का साधन कम, किसी का अधिक, जैसा हो, बड़ी बात यह है साधन करने की उत्कंठा मन में है या नहीं, सत्संग की लालसा है या नहीं। पर मुझे कहना चाहिए, यदि मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जो 8:45 बजे चल के आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कोसों दूर से चल के आते हैं केवल कथा श्रवण करने के लिए। तो मुझे उन लोगों का भी ध्यान रखना है। जो व्यक्ति कोसों दूर से मुझे केवल सुनने के लिए आया है, तो मुझे कम से कम ना अपना ना उसका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देना। इसलिए मुझे ये बात कहने में कभी संकोच नहीं होता कि आप में से जो केवल सुनना चाहता हो वही आए, अनावश्यक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बात यही है, आप जो साधन करते हो, आपका साधन छोटा है बड़ा है ये बात गौण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने साधन को सम्मान देते हो कि नहीं देते, कितनी प्राथमिकता, कितना स्थान आपने भजन को, सत्संग को अपने अपने मन में, अपने हृदय में दिया है। बड़े लोगों के मुख से मैंने सुना है, वो कहते थे, बोले बेटा 100 काम छोड़ के नहाना, 1000 काम छोड़ के खाना, और बोले 1,00,000 काम छोड़ के भजन करना चाहिए। और अभी आज क्या है, आज अगर आपका बालक भजन में लगने लगे ना, तो पड़ोसी को सबसे पहले चिंता हो जाती है। बोले अरे अभी कोई अवस्था है भजन करने की। एक बार मुझे किसी ने अपने घर पर बुलाया, तो एक बड़े वृद्ध महाशय थे उनके घर में, मेरे हाथ में संयोग से माला झोली थी, माला कर रहा था, तो वो हंसने लगे। शायद 80-85 वर्ष की उन सज्जन की अवस्था होगी, हंसने लगे। बोले अरे महाराज अभी कोई आपकी उम्र है माला करने की। मैंने झट से अपनी माला झोली खोली, माला उनके हाथ में पकड़ाई, मैंने कहा आप जप के दिखाइए, हाथ कांप रहे थे, माला का बनका हाथ में नहीं आता था। मैंने कहा जब आपकी जितनी अवस्था हो जाएगी तब तो मैं माला जपने योग्य ही नहीं रहूंगा। बड़ी बात यही है कि आप अभी भजन करना चाहते हैं कि नहीं, आप अभी भजन में लगना चाहते हैं कि नहीं। और मुझे तो लगता है सत्संग कथा वार्ता जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, उसका लाभ तभी है जब सत्संग श्रवण करने के बाद सत्संग की इच्छा बढ़ती है या नहीं बढ़ती। आपने कथा श्रवण किया, उसका प्रसाद क्या है, आपने सच में सुना, क्या लक्षण है इस बात का। जैसे आप भोजन करते हो तो क्या लक्षण होता है कि आपने भोजन किया, भूख मिट जाती है। ठीक ऐसे ही आप सत्संग करते हो, क्या लक्षण है कि आप सत्संग करते हो, सत्संग की लालसा बढ़नी चाहिए। सत्संग करके आप जितना सुने उतनी आपकी तृष्णा बढ़े, तब तो आपने सुना। और कथा के लिए 2 बातें आवश्यक हैं, कहने वाला निष्कपट भाव से,
निश्चल मन से भगवान का गुणानुवाद करे, पहली बात। और दूसरी बात, सुनने वाला अपना मस्तक और अपना हृदय झुकाकर आए श्रवण करने के लिए श्रद्धा सहित। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। कोई एक बात आप अपने मन में संकल्पबद्ध होकर आइए कि कोई एक बात आप आज की वार्ता से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उतारेंगे नहीं, प्रण नहीं लेना, प्रयास करना, प्रयास। संकल्प लोगे टूट जाएगा। भगवान की कृपा के आश्रय के बिना किसी के संकल्प में सामर्थ्य नहीं। छोटी सी साधारण से साधारण आदत आप नहीं छोड़ सकते। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जब आरंभ में भजन में लगा तो मेरे बड़े बाबा कहते थे, बोले टेलीविजन नहीं देखना, सो छोड़ दिया। जैसा जैसा उन्होंने बताया सब होने लगा, बोले एक बात और नहीं करनी, अखबार भी नहीं पढ़ना। अब बात बड़ी साधारण सी है, एक और कहां भगवत प्रेम, और एक और कहां, कितनी साधारण सी बात है, कोई कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप सत्य मानिए, मुझे 2 बरस लग गए वो साधारण सी आदत छोड़ते छोड़ते। आते जाते घूमते फिरते अखबार आ जाता है हाथ में, चलो और कुछ नहीं, एक बार नजर मार कर देख लेते हैं। अपना संकल्प हो, इसीलिए सूरदास बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान, सूर किशोर कृपा ते सब बल। सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम रे भैया, हारे को हरि नाम। इसीलिए मैंने कहा कि प्रण मत करना, प्रण मत लेना, प्रयास करना, कोशिश करना। एक गीत की पंक्तियां हैं, अच्छी लगती है मुझे। उसमें किसी ने कहा, बोले कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। बोले वादा तो टूट जाता है। तो आप भी कोई सद्गुण, कोई अच्छी बात जो आपको प्रिय लगे, जो आपको रुचिकर लगे, जो आपको अपने अपने जीवन के, आपकी जीवन शैली के अनुकूल लगे, वो एक अच्छी बात, सिर्फ एक, दो नहीं, एक अच्छी बात नित्य प्रति आप अपने जीवन में लाने का प्रयास करना। कोई कितना भी व्यक्ति समृद्ध क्यों ना हो, उसको भले कितना ही ऊंचा महल क्यों ना बनाना हो, लेकिन महल बनाने की प्रक्रिया तो यही है ना कि एक एक ईंट जुड़कर महल बनेगा। बहुत छोटी छोटी बातें आपका जीवन बनाती हैं। भगवान को पाने के लिए, प्रभु को रिझाने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें आवश्यक है जीवन में, जो जिन पर प्राय करके हमारी दृष्टि नहीं जाती। इसीलिए मैं 2 दिनों से सतत निवेदन कर रहा हूं, प्रयास यही करना, किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में रहकर आप भजन करो। जब आप भजन करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि भजन के परिणाम स्वरूप आपको अनुभव होने लगता है। और कलयुग में तो संत कहते हैं, बोले कि नाम में भगवान ने अपना समस्त वैभव रख दिया है। जो कोई जपता है उसके हृदय में नाम का वैभव, नाम का ऐश्वर्य प्रकट होता है। यदि आपके पास योग्य गुरु नहीं होगा तो आपके मन का पात्र जो है वो सुघड़ नहीं होगा। सुघड़ नहीं होगा तो आपने कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। पात्र सुघड़ नहीं होगा तो जो रस भजन के प्रभाव से आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। बहुत लोगों को मैंने देखा आकर मुझे बताते, बोले महाराज हमको भजन में ऐसा अनुभव हुआ। नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जानते नहीं है। भजन के अनुभव को आपको किस प्रकार सहेज कर रखना है ये भजनानंदी व्यक्ति बता सकता है, जिसने जिसने वो अनुभव लिया। इसलिए आज विराम का दिन है, इसके बाद मैं कथा में प्रवेश करूंगा। तो इन 3 दिनों के माध्यम से मुझे तो एक यही सिद्धांत, एक यही भाव व्यासपीठ के माध्यम से आपको निवेदन करना है, प्रयास यही करना, प्रार्थना भी इसी के लिए करना और प्रतीक्षा भी इसी की करना। आपका प्रयास, आपकी प्रार्थना और आपकी प्रतीक्षा इसीलिए हो
कि जीवन में कोई कोई ऐसे समर्थ चरण मिल जाएं जिन पर अपना माथा रख के आप निर्भर हो जाओ। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। जब बिना गुरु के भजन होता है अहम की वृद्धि होती है, भजन तो बढ़ता है लेकिन कर्तृत्व का अभिमान भी बढ़ता है। इसीलिए कबीर कहते हैं गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काडे खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट, सदगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट। वस्तुतः भगवत कृपा का जो हेतु है कृतज्ञता दैन्य, वो संत की कृपा से ही प्राप्त होता है, प्रसाद से प्रयास से नहीं। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा।
दर रुल देसी किसे ना संभालिया मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया दर दर रुल तेरे तो मैं तन मन बा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा पाया तेरे दर शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा।